त्रिपुरा में डीएम के शादी समारोह में किए गए दुर्व्यवहार का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि कपड़ा नगरी भिलवाड़ा में भी अधिकारियों की ऐसी ही कुछ झलक रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर देखने को मिली। यहां पर महेश भवन से रवाना हुई बारात को मात्र 50 कदम बाद ही पुलिस के आला अधिकारियों ने रुकवा दिया। वहीं पर दूल्हे को भी घोड़ी से नीचे उतारने के आरोप भी पुलिसकर्मियों पर लगाए जा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर आरसी व्यास कॉलोनी निवासी मुकेश कोकटा के बेटे शुभम कोकटा की बारात भवन से रवाना हुई थी। कुछ ही दूरी पर पुलिस उपाधीक्षक भवर रणधीर सिंह ने यहां पर जाब्ते के साथ में पहुंचकर बारात को रुकवा दिया। दूल्हे के घर वालों ने पुलिस के बात करने की काफी कोशिश करी लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अभी कोई कोकटा परिवार है, ये एक रैली के रूप में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे थे और घोड़ी पे दूल्हे को बिठा के और दिनोदी निकाल रहे थे। इसको अभी दौरान अगस्त मैंने और एसपी साहब ने निकलते हुए देखा, कलेक्टर साहब भी साथ में थे, तो उन्होंने निर्देश फरमाया कि ये कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनको अरेस्ट किया जाए।